दोस्तों रियल रामायण महाभारत बाइबल कुरान वेद पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करो या चैनल का नाम यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट में जाओ। तो जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। ये रियल भविष्य पुराण बुक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था रत्नों के आकार होने के नाते उसे रत्नाकार कहा गया है और द्रव्य द्वारा लोगों के पोषण करने में धर्म और आघात और असाधारण कोष होने के नाते सरस्वती भी अपने कार्य द्वारा जो लोग को कार्यकुशल बनाए उसे दक्ष प्रजापति कहा जाता है। ब्रह्मा के अंगों द्वारा उत्पन्न होने के नाते ये सभी ब्रह्म कहे गए हैं जो ब्रह्म धर्म के अनुसार क्रमशः वर्णों को अपनाए हुए हैं। पश्चात दक्ष प्रजापति के मन द्वारा 500 कन्याएं उत्पन्न हुई जो भगवान विष्णु की माया से प्रभावित होकर इस भूतल में कलामूर्ति होकर स्थित है। उस समय भगवान ब्रह्मा ने लोक के अत्यंत वृद्ध यर्थ सोम चंद्रमा को अश्विनी आदि नक्षत्र मंडल रूप में 27 कश्यप को क्षत्रिय रूप आदिति और धर्म को कीर्ति आदि का न्याय प्रदान किया। उस महामुनि के इस प्रकार वितरण करने पर उस व्यवस्थित मनवंतर के समय लोकों में अनेक भांति की सृष्टियां हुई। पश्चात ब्रह्मा की आज्ञा से लोक समृद्ध इस भूतल के अध्यक्ष दक्ष प्रजापति ही निश्चित किए गए। मतलब पृथ्वी का अध्यक्ष दक्ष प्रजापति को ही बनाया गया क्योंकि वो ब्रह्मा के वंशज थे, ब्रह्मा के प्रजापतियों में से एक थे, जिससे वहाँ निवास करते हुए दक्ष ने एक विशाल यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया। उनके उस महोत्सव में सभी देवगण पहुंचकर उन्हें नमस्कार पूर्वक यथेष्ट विचरण कर रहे थे, किंतु भूतनाथ महादेव ने उन्हें किसी बात ही नमस्कार नहीं किया, जिससे अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष ने उन्हें शिव भाग देना अस्वीकार कर दिया। उस समय मृगव्याध शिव ने उस अपमान को सहन न कर वीरभद्र का रूप धारण किया। 3 नेत्र 3 शिर और 3 चरण धारण कर उनके आगमन करने से देव मुनि और पितृगण अत्यंत पीड़ित होने लगे और यज्ञ पुरुष के भयभीत होकर मृग रूप धारण कर चारों ओर भागने पर शिव ने व्याध रूप धारण किया। अनंतर उस व्याध रूपी रुद्र द्वारा मृग रूपधारी यज्ञ पुरुष का अंग छिन्न भिन्न हो गया। उसी समय भगवान ब्रह्मा ने मधुर वाणी द्वारा उनकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर उन मृग व्याध ने उनके यज्ञ को पूर्ण और सुसंपन्न किया। तदुपरांत ब्रह्मा ने तुला राशि पर स्थित के सूर्य के स्थित होने पर 27 नक्षत्रों के अधिपति उस चंद्रमा के मंडल में स्वयं रुद्र को प्रतिष्ठित कर अपने लोक को प्रस्थान किया और चंद्र रूप में रुद्र ने सातों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसे सुनकर वीरभद्र ने अत्यंत हर्षमग्न होकर अपनी देह से अपने अंश को निकालकर उस फैरबदत्त नायक ब्राह्मण के घर भेज दिया, जो उनके यहाँ उनके पुत्र रूप में अवतरित होकर उस घोर कली के समय शंकराचार्य के नाम से भूतल में प्रख्यात हुआ। उस गुणी वेत्य और ब्रह्मचारी बालक ने शंकर भाष्य की रचना कर उस शैव मार्ग का प्रदर्शन किया, जो त्रिपुंड्र चंदक रुद्राक्ष माला एवं चंचाक्षर ओम शिवाय नमः मंत्र के रूप में शैवों के लिए अत्यंत मांगलिक है। मतलब उसी समय से शिव को मानने वाले भक्त का ये मंत्र बनाया गया। बृहस्पति जी बोले, मतलब उस समय में शिवाय का मंत्र शायद था नहीं। बृहस्पति जी बोले, पहले समय में नेमिषारण्य स्थान में एक ब्राह्मण अजगर की योनि प्राप्त कर भविष्य पुराण की रचना किसने की है, इसका जवाब भी भविष्य पुराण में ही लिखा है। भविष्य पुराण को शिव जी ने कहा था, ऋषियों ने उसको फिर कहा और लिखा गया। शिव पुराण भी शिव ने ही कहा है, शिव ने ही अपने बारे में शिव पुराण में कहा है या फिर अपनी तारीफ की है, ये भी हो सकता है। रह रहा था जो वेदांत शास्त्रों में निपुण ज्ञानी और शिव का नित्य उपासक था। 12 वर्ष के उपरांत उसकी पार्थिव अचना से प्रसन्न होकर रुद्र ने वहाँ आकर उसे जीवन मोक्ष होने का ज्ञान प्रदान किया, जिससे उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उन शंकरसन शिव के समीप पहुँचकर विशुद्ध स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की। अजगर ने कहा, उस दिव्य प्रदान एवं ज्योति रूप निराकार अव्यक्त एवं नित्यानंद को जो 3 रूप में होकर पुनः 3 लिंगों पुरुष स्त्री और नपुंसक से भिन्न है, वही सत्व रूप से पुरुष और रज रूप से स्त्री होता है और उन दोनों के शेष तमोगुण से भिन्न है, बार बार नमस्कार है। नर रूप होकर आप कलाकर्ता नरों के आकर्षण करने के नाते शंकरसन कहे गए हैं। आपके ही
ब्रह्म तेज से मुनिबिंद रमन करते हैं और उस नर रूप होने में आपकी शक्ति ही उस अंग की आधार है जो शिवा एवं योग निद्रा के नाम से जगत में पतित है। अतः आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, बृहस्पति ने कहा। इस प्रकार स्तुति करने पर शिवदेव ने उस अजगर ब्राह्मण को अपने अंग में सायुज्य मोक्ष प्रदान करने के हेतु सर्प रूप धारण किया जो शस्त्र फन गौर वर्ण की शरीर खीर सागर निवासी एवं गुण निधि था। पश्चात ब्रह्मा ने उस सर्प रूप शिव के पास आकर उन्हें करकरा स्थित सूर्य के समय नक्षत्र मंडल के अधिनायक चंद्र में स्थापित किया, जिससे शिव ने चंद्र रूप होकर अपने मुख से तेज निकालकर विंध्य पर्वत के निवासी देवदत्त ब्राह्मण के घर भेज दिया, जो वहां उत्पन्न होकर यानी पैदा होकर गिरी शर्मा के नाम से प्रख्यात हुआ। उस ब्राह्मण ने विद्वान को पराजित कर काशी की यात्रा की। वहाँ पहुँचकर उसने शंकराचार्य की सेवा की शिष्य के रूप में, जिससे आनंदगिरी नाम से वो विख्यात हुआ। गुरु शंकराचार्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, शायद उसी के बारे में बात किया जा रहा है। विप्र, इस प्रकार मैंने रुद्रावतार की कथा सुना दी, किंतु बृहस्पति की कही हुई कथा को पुनः कह रहा हूँ, सुनो। बृहस्पति जी बोले, पहले प्रयाग में निश्चित नामक एक ब्राह्मण रहता था जो भगवत भक्त मंदभागी दरिद्र था। वो निश्चित ब्राह्मण संध्या समय तक किसी भांति भिक्षा की प्राप्ति कर अपने पुत्र और पत्नी का पालन कर रहा था। इस प्रकार उत्तर प्रतिदिन दरिद्र से अत्यंत पीड़ित उस ब्राह्मण के घर एक बार वैष्णव प्रिय नारद जी का आगमन हुआ था। ब्राह्मण ने यथाशक्ति उनकी पूजा की, पश्चात वे विष्णु लोक चले गए। वहां पहुंचकर नारायण देव को बार बार दंडवत प्रणाम करके सदैव भगवत प्रिय नारद ने विनम्र होकर उनसे कहा, भगवान, आपकी पूजा में निरंतर संलग्न देवों के जितने भक्त होते हैं सभी धन धान्य से पूर्ण रहते हैं, किंतु भूतल में मैंने आपके भक्तों को भी देखा है जो दरिद्रता से अत्यंत पीड़ित रहते हैं। स्वामिन जनार्दन, मैं इसमें कुछ निश्चय नहीं कर पाता हूँ कि ये भेदभाव यानी विभेद का कारण क्या है, अतः मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, इसके भेद बताने की कृपा करें। इस प्रकार नारद जी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उनसे सुंदर वाणी में कहा, पुरुषोत्तम, मैं बता रहा हूँ, सुनो। मेरे भक्त भगवान ब्रह्मा नारायण प्रिय मनुष्य को देखकर उन्हें अपने अधीन कर लोक का कार्य करते रहते हैं। उन्होंने धर्म और अधर्म का निर्माण किया, जिसमें धर्म वेदमय कहा गया है। बुद्धिमान ने धर्म के साथ लोकों का निर्माण किया, जो भूत लोक, भव्य लोक, स्वर्ग लोक, मर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक के नाम से निर्मित होकर मनुष्य को उत्तरोत्तर क्रमशः दुगने सुख प्रदान करने की चेष्टा करता है। उसी प्रकार वेद रहित को अधर्म कहा गया है, जो भूतल में प्रतिकूल शब्दों की रचना करता है। महावाणी द्वारा दूषित उन शब्दों को अपनाने पर प्राणियों को उसी प्रकार के लोगों की प्राप्ति होती है। वेद रहित होने के नाते वो अधर्म पापमय दैत्यों की सदैव वृद्धि करता रहता है। उस अधर्म के भी सात लोग विदित हैं, जो भूमि के गर्त यानी नीचे का भाग में ब्रह्मा द्वारा निर्मित होकर वहाँ के प्राणियों के लिए सुखावह होते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल उनके नामकरण हैं। इनमें देवगण धर्म, असुरगण अधर्म को अपनाते हैं। अतः धर्म पक्ष के देव एवं अधर्म पक्ष के दैत्य बताए जाते हैं, किंतु इन देवों और दैत्यों से हीन एवं दूषित जो अन्य मार्ग है उसे विधर्म कहा गया है। उसमें रहने वाले प्राणी सदैव व्यथित रहते हैं। तामृष्य, अदंता मिश्र, कुंभीपाक, रौरभ, महारौरव, मूर्ति रय, कोल्लू, फांसी देने के लिए सेमर का वृक्ष यानी सालमल, असी, तलवार के समान, पत्र वाला वन आदि 21 स्थानों की ब्रह्मा ने रचना की है। इस प्रकार इस समस्त को लोकमय ब्रह्मांड कहते हैं, जिससे मेरा परम पद अत्यंत समुन्नत है। भूमंडल के रहने वाले मेरे भक्त ही उस परम पद की प्राप्ति करते हैं, किंतु देवों के भक्तगण उन्हीं स्वर्ग आदि पातालोकों की उसी भांति दैत्यों के उपासक तामसी पुरुष पृथ्वी के नीचे स्थित उन पातालादि लोकों की प्राप्ति करते हैं। पाताल के अधोलोक एक लक्ष्य योजन की दूरी पर स्थित है, जिसमें विधर्मी प्राणियों की यात्रा होती है, यानी तमोगुण की पूजा करने वाले पाताल लोक में जाते हैं। मेरे भक्त मेरे पास आते हैं, ऐसा विष्णु जी कह रहे हैं। इसलिए मेरे भक्त ब्रह्मा द्वारा उस समस्त पदों से भ्रष्ट होकर दरिद्र होते हैं, किंतु जो मेरा भक्त देवों की पूजा पूर्वक मेरी उपासना करता है वह लक्ष्मीयुक्त एवं भक्ति मुक्ति परायण होता है। यानी जो मुझे जो सनातन भक्ति का मार्ग है यानी मित्रता और गुरु समझता है वो लक्ष्मीयुक्त होकर भक्ति मुक्ति को परायण होता है।
कहने का मतलब ये है कि जो अंधों की तरफ पूछते हैं मुझे वो दरिद्र होता है, और जो मित्रता जो सनातन भक्ति का मार्ग है और दोस्त गुरु समझता है वो ऐसा सुख पाता है। और प्रयाग निवासी वो निश्चित ब्राह्मण मेरे प्रिय प्रिय देवों के त्याग पूर्वक केवल अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, इसलिए दरिद्र है। नारद, देवों के दिए हुए द्रव्यों का उपभोग सर्वदा सभी मनुष्य किया करते हैं, किंतु मैं जो वस्तु अपने भक्त को प्रदान करता हूँ वो ब्रह्मांड में है ही नहीं, इसलिए मेरी आज्ञा से उसे शुभात्मक वरदान प्रदान करो। विश्व रचित भगवान की इस बात कहने पर नारद ने उसके घर जाकर उसकी पत्नी से कहा, पतिव्रते तुम अपने अभिलाषित वर की याचना करो। इसे सुनकर उसने कहा, स्वामिन मेरी राजरानी होने की इच्छा है। इतना कहते ही वो एक दिव्य रूप में परिणत हो गई और उस समय राजा आकर उसे अपने घर ले गया। सायंकाल होने पर ब्राह्मण देव के घर आने पर नारद जी ने उससे कहा, भगवत प्रिय ब्राह्मण देव मैं कुछ कह रहा हूँ सुनिए। वरदान प्राप्त कर अपनी पत्नी राजरानी हो गई, एक राजा उसे ले गया, अब आप भी मुझसे अपनी मन इच्छित वस्तु प्राप्त कर सुख का अनुभव करें। इसे सुनकर उस ब्राह्मण ने देवबस क्रोध में आकर कहा, विप्र मुझे यही वरदान देने की कृपा कीजिए कि मेरी पत्नी गिदड़ी हो जाए। इतना कहने पर वो ब्राह्मण पत्नी गिदड़ी हो गई। उसी समय उस ब्राह्मण के गुरु भक्त पुत्र ने वहाँ आकर उन कारणों को सुनकर नारद जी से कहा, स्वामिन मेरी माता पूर्व की भांति हो जाए, पहले की भांति आ जाए। इस प्रकार वे तीनों देव माया से मोहित होने के कारण वरदान प्राप्त करने पर भी अपने मनोरथों से वंचित ही रहे। उस समय दुखी होकर नारद ने निश्चिंत से कहा, विप्र देवमय होने के नाते इस समस्त ब्रह्मांड के अधीश्वर महेश्वर जी हैं, अतः तुम उनकी उपासना करो, वे तुम्हारा कार्य शीघ्र सफल करेंगे। इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मण निश्चिक ने पार्थिव पूजन द्वारा भगवान शंकर की आराधना की। एक वर्ष के उपरांत प्रसन्न होकर भगवत वत्सल भगवान महेश जी ने कुबेर के संबंधी व्यय एवं अगाध धन उसे प्रदान किया। उस धन द्वारा ब्राह्मण ने अनेकों धर्म कार्य सुसंपन्न किया। भगवत पुराण में कहा गया है कि विष्णु को कोई नहीं समझ सकता, पहले के जो लोग थे ऋषि मुनि वे भी नहीं समझ सकते, ब्रह्मा और महेश्वर भी समझ नहीं सकते, इसलिए नारद नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए कहा कि छोड़ो तुम शिव जी की पूजा करो। भगवान महेश जी ने कुबेर के दिव्य रूप एवं अगाध धन उसे प्रदान किया। उस धन द्वारा ब्राह्मण ने अनेकों धर्म कार्य सुसंपन्न किए, जिससे इस भूतल में उसकी द्रव्यजन देवमूर्ति कुबेर के नाम से अत्यंत खाती हुई। इस बात शिव जी की भक्ति के प्रभाव से निष्कंटक द्रव्य की प्राप्ति पूर्वक एक सहस्त्र वर्ष तक दिव्य जीवन व्यतीत करने के उपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। विष राशि पर सूर्य के स्थित होने पर चंद्रराज सोम की भांति वह निश्चित ब्राह्मण भी सर्वजन प्रिय और रुद्र की भांति प्रख्यात हुआ। भृगुवर्य बृहस्पति के इस प्रकार देवों से कहने पर उस निश्चित ने अपने अंश द्वारा गिरिराज पर्वत के वनों में रहने वाले सिद्धांक के योगी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया। वे शास्त्र के परायण में निरत रहकर उन्होंने वन शर्मा के नाम से अत्यंत ख्याति प्राप्त की। 12 वर्ष की अवस्था में अनेकों विद्वानों को पराजित कर वन शर्मा ने काशी आकर तत्व ज्ञानार्थ योगी शिरोमणि शंकराचार्य की शिष्य सेवा स्वीकार की। बृहस्पति जी बोले, पहले समय में माहिष्मती नामक पुरी में वासु शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए पार्थिव पूजन एवं व्रत विधान द्वारा भगवान आशुतोष की उपासना आरंभ की। देववृंद 24 वर्ष तक उसने अनवरत आराधना की, किंतु शिव जी की प्रसन्नता उसके ऊपर न हुई। पश्चात दुखी होकर उस ब्राह्मण ने प्रज्वलित अग्नि की भांति भीषण ज्वाला में मुख से चरण तक की अपनी देह के मांस को आहुति रूप में हवन कर दिया, परंतु रुद्रदेव तब भी प्रसन्न नहीं हुए। उस समय शोक पीड़ित होकर उस ब्राह्मण ने पवित्र होकर एक उत्तम भेड़ का संस्कार करके उसके समेत उसी अग्नि में प्रवेश किया कि उसी समय भगवान रुद्रदेव ने अपने गणों समेत वहां आकर शुद्ध स्फटिक के समान अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन उसे दिया। तदुपरांत उन्होंने वशुशर्म से कहा, यथेष्ट वर की याचना करो। उसे सुनकर प्रसन्नता से गदगद होकर उन पार्वती प्रिय के नमस्कार पूर्वक उसने विनम्र होकर शंकर जी से कहा, स्वामिन शरणागत वत्सल मुझे पुत्र देने की कृपा कीजिए। इतना कहने पर शिव जी ने हंसते हुए कहा, पुत्रदाता तो स्वयं ब्रह्मा जी हैं जो परमोत्तम एवं भाग्य विधाता हैं, सबका भाग्य वही लिखते हैं। उन्होंने जो 100 जन्म तक तुम्हें पुत्र नहीं दिया है, अतः प्रिया मैं अपने अंश से तुम्हें पुत्र दे रहा हूँ। इतना कहकर भगवान महेश्वर जी ने अपने मुख से तेज निकालकर उनकी पत्नी को प्रदान किया, जो 2 भागों में विभक्त होकर 10वें मास के प्रथम बकरे के समान चरण वाला और दूसरा मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ तथा इस भूतल में अजेय पद के नाम से उसकी अत्यंत ख्याति भी हुई।
400 वर्ष के सुखी जीवन व्यतीत करने के उपरांत मृत्युदेव अपने रोगगणों समेत उस पुत्र के समक्ष उपस्थित हुए, किंतु उसी समय दोनों का भीषण युद्ध आरंभ हो गया। पश्चात उस उत्कल योद्धा ने उस संग्राम में वर्ष के भीतर ही उन सबको पराजित कर पृथ्वी मंडल के मृत्युंजय के नाम से अत्यंत ख्याति प्राप्त की। अनंतर मृत्युदेव ने दुखी होकर उन ब्राह्मण द्वारा पराजित होने पर ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सभी वृत्तांत का वर्णन किया, जिसे भगवान ब्रह्मा ने निखिल देवों समेत वहां आकर कुंभ राशि पर सूर्य के स्थित होने पर उस भीषण रुद्र रूप ब्राह्मण को चंद्र मंडल में राजपद पर प्रतिष्ठित किया। सूर्य बल इसे सुनकर ब्राह्मण रूपधारी उस अजपाद महादेव ने, जो कली के शुद्ध निर्माता के एवं प्रभु हैं, माशमतीपुरी में जाकर यतिदत्त के पुत्र पुरीशर्म के नाम से ख्याति प्राप्त करते हुए 16 वर्ष की अवस्था में वेद निष्पाद विद्वानों को पराजित करने के उपरांत शंकराचार्य की शिष्य सेवा स्वीकार किया। अभी इस प्रकार मैंने मृत्युंजय की उत्पत्ति की कथा तुम्हें सुना दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा है, आज के वीडियो पर इतना ही।